आदरणीय चौहान सर के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। न्यू डाइट सिस्टम से जुड़े हुए सभी साधकों को प्यार भरा नमस्कार। माई सेल्फ पंड्या नरहरी, नॉर्थ गुजरात लाखनी। मेरा मोबाइल नंबर है 9724304267। साधक मित्रों, तप सेवा सुमिरन की हमारी ये यात्रा लगातार कुछ दिनों से चल रही है और अपेक्षा रखें ये चालू ही रहे। धन्यवाद। साधक मित्रों, पिछले दो दिन से लगातार दूध और दूध से बनी हुई चीजों के बारे में काफी बातें हुई। अब शायद किसी के मन में दूध के बारे में कोई शंका रही होगी, फिर भी हम यहां से बार बार बोलते हैं यह एक प्रयोग है और आप अवश्य ये प्रयोग करें। दूध और दूध से बनी चीजों को बंद करें और देखें क्या परिणाम मिलता है। तो मित्रों, हमने बताया था चाहे रोग हजार हो, हजारों रोगों का कारण एक ही है, वो है कब्ज। और कब्ज का कारण सिर्फ दो ही चीजों के बारे में हमने बोला था। फर्स्ट है दूध और दूध से बनी चीजें। आइए इसको हम बंद करें। अब दूसरी बात, कब्ज करने वाली दूसरी कोई चीज है तो वो है पका हुआ भोजन। हमारे घर में या हमारे किचन में गैस पे चढ़ाकर या बाजार में जाके ऐसी चीजें जो हम खाते हैं, कहीं होटल में, रेस्टोरेंट में, लारियों पे, ये जो कुछ पकी हुई चीजें हैं या पका हुआ आहार है, वो भी कब्ज का एक बड़ा कारण है। दोस्तों, हमने बताया था और हम जानते हैं इस पृथ्वी पर सिर्फ अकेले हम नहीं हैं। 84 लाख पशु पक्षी हैं, 84 लाख। अब हम ये सोचें, जैसे हमने जाना इनमें से किसी भी पशु पक्षियों को पराई माँ के दूध की जरूरत नहीं है, सब अपनी ही जनता के दूध पीते हैं, इसी तरह अब यहां भी हम समझे कि 84 लाख पशु पक्षी में से किसी भी पशु पक्षी को पका हुआ आहार या पका हुआ भोजन लेने की जरूरत पड़ती है क्या? गौर करें, ध्यान से देखें, किसी भी पशु पक्षी को पका हुआ भोजन लेने की जरूरत पड़ती नहीं है और इसीलिए वो बीमार नहीं है। और हम ये दो चीजें, दूध और दूध से बनी चीजें और पका हुआ आहार, ये दो ही चीजों में 84 लाख पशु पक्षियों में से सिर्फ हम ही अलग पड़ते हैं। सिर्फ हमको ही ये दो चीजों की जरूरत पड़ती है और इसीलिए सिर्फ हम ही बीमार है।
इतनी आसान सी बात भी यदि हमारी समझ में न आए और हम हमारे अंदर जो रोग है, दर्द है, उसको मिटाने के लिए इधर उधर घूमते रहें, अलग अलग थेरापियों के चक्कर में पड़ते रहे, दवाइयां खाते रहे, आज तक तो हमें कोई परिणाम नहीं मिला है, वो हम सब लोग जानते हैं। और इसीलिए तो हम सब ये तप सेवा सुमिरन की साधना से जुड़े हुए हैं। तो पका हुआ भोजन किसी को लेने की जरूरत नहीं है। जो नहीं लेते हैं वो स्वस्थ है, जो लेते हैं वो बीमार हैं। क्यों पका हुआ भोजन नहीं लेना चाहिए? हम दलील तो कर सकते हैं, हजारों साल से हमारे पूर्वज खाते आए हैं और अब क्यों नहीं? तो जैसे दूध के बारे में भी मैंने बताया था कि हमारे पूर्वज खाते थे, पशुओं का आहार शुद्ध था, ओरिजिनल चीजें मिलती थी, और सबसे बड़ी बात तो वो थी कठोर परिश्रम वे लोग करते थे। कठोर परिश्रम, ये बात ध्यान में रखने की जरूरत है। और फिर भी वे लोग बीमार नहीं थे, ऐसा भी नहीं था, बीमार तो थे ही, मगर अस्पतालों की इतनी संख्या नहीं थी, इतनी सुविधाएं नहीं थी, घर में ही पड़े रहते थे, बीमारी का सामना करते थे, कुछ इलाज घरगत्तू घरेलू इलाज करते थे, नुस्खे आजमाते थे, कुछ ना कुछ चलता था, नहीं चलता था ऐसा नहीं है। अब हम ये समझे पका हुआ भोजन क्यों नहीं लेना चाहिए। बहुत सरल बात है, मानो हमारे घर में दाल सब्जी जो कुछ भी बनती है उसको 80 90 100 डिग्री फ़ारेनहाइट पे आग पे हम उसको पका रहे हैं। जो कुछ दाल सब्जी का पकने का जितना टाइम होता है उतना टाइम हमें आग पर रखना पड़ता है, घंटा आधा घंटा जो भी टाइम हो। इतनी गर्मी में उबलने के बाद ये सब्जियों में या दाल जो कुछ, चावल जो कुछ है, रोटी कुछ जो कुछ है, उसमें कौन से विटामिन्स, तत्व, सत्व ये सब बचते होंगे? क्या बचता होगा? कुछ भी नहीं बचता, कुछ भी नहीं। हमें टेस्ट लगता है तो सिर्फ और सिर्फ मिर्च मसालों का ही हमें टेस्ट लगता है। एक दिन तो कोशिश करो बिना मिर्च मसाले डाल के दाल सब्जी खाओ, क्या खा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ऑयल डालते हैं, सभी अलग अलग प्रकार के मिर्च मसाले डालते हैं, तभी वो टेस्टी बनता है। थोड़ा सा नमक भी ज्यादा पड़ गया, टेस्ट बिगड़ जाता है। जो कुछ मिर्च मसाले डालते हैं थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है तो उसका टेस्ट खत्म हो जाता है, हमें अच्छा नहीं लगता है। तो ये टेस्ट की जरूरत किसको पड़ती है? पूरी दुनिया में किसी भी पशु पक्षी को ये ऑयल है, मिर्च मसाले है, कुछ भी लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, फिर भी वो स्वस्थ है। और हम इतने मिर्च मसाले डालते हुए भी बीमार हैं। कोई मिर्च मसाले को बॉडी को जरूरत नहीं है,
हम डालते रहते हैं। तो टेस्ट की जरूरत सिर्फ और सिर्फ हमारी जुबान को है, जिसे मैं लूली बोलता हूँ। लूली जुबान को मैं लूली बोलता हूँ। हाँ, ये लूली है, किधर भी मुड़ सकती है। तो सिर्फ लूली को ही खुश रखने के लिए हम ये सब चीजों का उपयोग कर रहे हैं, और अच्छी तरह से हम जानते हैं जिन जिन लोगों ने लूली को छूट दी है या लूली को खुश रखने की कोशिश की है, तो ये लूली ने बदले में हमें क्या दिया है। हाँ, सबसे पहले तो हमारे परिवार में कोई एक साथ बैठ भी नहीं सकता है, ये लूली का परिणाम है। परिवार में न प्रेम भाव रखा है, संबंधियों में न प्रेम भाव रखा है, न हमारी बॉडी को स्वस्थ रखा है। लूली ने सिर्फ और सिर्फ इतना ही काम किया है। अब जब हमें इस बात का पता चल गया है कि सिर्फ लूली को ही खुश रखने के लिए हम इन चीजों का उपयोग कर रहे हैं और हम उसकी सजा भुगत रहे हैं, तो क्यों न अब हम ये लूली को ही सजा दे। हाँ, लूली को सजा दो और बाकी पूरी मजा हम भुगतेंगे। लूली को सजा देना जरूरी है, किसी को जरूरत नहीं पड़ती है इन सब चीजों की। तो पका हुआ भोजन जो उबलता है आग पे, न उसमें कोई विटामिन सत्व तत्व कुछ भी नहीं बचता है, और हम लोग ऐसी भ्रमणा में राचते रहे हैं, घूमते रहे हैं, मानते रहे हैं कि इन्हीं भोजन से हमें ताकत मिल रही है या शक्ति मिल रही है। ये बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। भोजन से शरीर चलता है, ये भी एक भ्रमणा है। भोजन की आवश्यकता तब तक होती है जब तक हमारा ग्रोथ हो रहा है, हमारा विकास हो रहा है, तब तक भोजन की जरूरत पड़ती है। मानो एक बिल्डिंग बनाना है, तो बिल्डिंग बनाने के लिए शुरुआत में ईंटें चाहिए, लोखंड चाहिए, सीमेंट चाहिए, रेती चाहिए, कपची चाहिए, पानी चाहिए। हाँ, इन सभी चीजों की जरूरत पड़ती है बिल्डिंग बनाने के लिए। मगर जब बिल्डिंग बन जाता है, रंग रोगन ये सब हो जाता है, इसके बाद कभी भी इन चीजों की जरूरत पड़ती नहीं है। कभी भी, जब तक बिल्डिंग सलामत है तब तक कभी जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसी तरह हमारी बॉडी का ग्रोथ विकास हो रहा है, तब तक इन चीजों की जरूरत पड़ती है। ग्रोथ विकास हो गया, इन चीजों की जरूरत पड़ती नहीं है, और हम डालते रहते हैं। परिणाम क्या है उसका सामना आज हम सब लोग कर रहे हैं। गैस पे या हमारे घर पे बनी हुई रसोई जो बन रही है, वो रसोई, वो खाना, वो आहार,
ऑयल, मिर्च मसाले, पानी सब डाल के उबालते रहते हैं, उबालते रहते हैं, तो वो भी चिकना बन जाता है। दालें तो सभी चिकास वाली है ही, चिकनी ही है। आटा कोई भी लो, सभी चिकने ही है। तो ये चिकना खुराक हम अंदर डालते हैं, सही ढंग से उसका पाचन नहीं होता है और उसका मल भी जो बनता है वो भी चिकना बनता है और आंतों में चिपक जाता है। मैंने पहले समझाया था हमारी आंतों के साथ 71 पॉइंट्स जुड़े हुए हैं, तो ये भी ये सभी पॉइंट्सों में जहां जहां मल चिपकता है दिक्कत होती रहती है। तो किसी को पका हुआ भोजन खाने की जरूरत नहीं पड़ती, किसी को, इंसान को छोड़ के। हाँ, हमने आदत डाली है, कुत्ता रोटी खाता है, हम कह सकते हैं कि कुत्ता रोटी क्यों खाता है, गाय को रोटी हम खिलाते हैं, तो ये हमने आदत डाली है। गाय का खुराक रोटी नहीं है, न कुत्ते का खुराक रोटी है, मगर हमें ऐसा समझाया भी गया है, घर में रोटी बनती है तो पहली रोटी गाय के लिए बनाओ और अंतिम रोटी कुत्ते के लिए बनाओ, और कई घरों में ये सिलसिला आज भी जारी है। आप प्रयोग करें, गाय को एक और हरा घास डालें और एक और रोटी रखें, गाय क्या खाती है, पहले क्या खाएगी, प्रयोग करो आप, देखो गाय घास ही खाएगी, रोटी नहीं खाएगी। ऐसे कुत्ता, कुत्ता मांसाहारी है, शाकाहारी नहीं है। कुत्ते को भी एक और मांस का टुकड़ा रखो, एक और रोटी रखो, देखो कुत्ता पहले क्या खाता है। हम सब लोग जानते हैं बिल्कुल मांस ही खाएगा वो, क्योंकि वो ही उसका आहार है। मगर ये कुछ पशु पक्षी हमसे जुड़े हुए हैं, हमसे रिश्ता रख के बैठे हैं, तो अपनी खुराक को ढूंढने का वो प्रयास नहीं करते हैं। कहां जाएगा कुत्ता शिकार करने के लिए, न जाने कब मिलेगा। तो उससे तो अच्छा है जो मिला है पेट ही भरना है ना, तो पेट भर लेते हैं, मगर वे लोग भी बीमार पड़ते हैं। देखो ऐसे कुत्ते जो हमारे सहारे हैं, ऐसी गायें जो हमारे सहारे हैं, ऐसे पशु पक्षी जो हमारे सहारे हैं, उन सभी में कोई ना कोई बीमारियां हैं, उनके लिए डॉक्टर हैं, इनके लिए अस्पतालें हैं, इनके लिए यूनिवर्सिटियां भी बनी हैं। बहुत सिंपल बात है, कुदरत के सहारे जीने वाले किसी पशु पक्षी को इन यूनिवर्सिटियों में, इन अस्पतालों में या इन डॉक्टरों के पास कभी आना नहीं पड़ता। इन लोगों को अपनी खुराक मिलती ही नहीं है, हमने पाल के रखे हैं, अपनी सुविधा के मुताबिक हम इनको भोजन देते हैं, जरूरत के मुताबिक नहीं मिलता है, तो वो भी बीमार हैं। तो पका हुआ भोजन हमें इतना नुकसान पहुंचाता है, हम अच्छी तरह से जानते हैं। आगे भी मैंने समझाया कि हमारे ऋषि मुनि जंगलों में रहते थे और पत्रम पुष्पम फलम तोयम इन्हीं चीजों का उपयोग करते थे, स्वस्थ रहते थे, मस्त रहते थे। जब से अग्नि की शुरुआत हुई, अग्नि की खोज हुई, तब से इंसान ने
न सिर्फ अपना भोजन जो आज तक लेता था वो भोजन, न सिर्फ अपना भोजन बल्कि सभी पशु पक्षियों का भी भोजन खाने की शुरुआत कर दी। सीधी तरह से नहीं खा सकते थे तो उसको उबालने की शुरुआत कर दी। मानो अनाज, गेहूं, ज्वार, बाजरा, चावल, जो कुछ भी अनाज है उसको सीधी तौर तरीके से नहीं, सीधे तरीके से नहीं खा सकते, ऐसे ही नहीं खा सकते थे। तो इंसान ने क्या किया, उसका आटा बना दिया। आटा भी नहीं खाया जा सका तो रोटी बनाने की शुरुआत कर दी। चाहे कुछ भी हो हमें खाना है, और ऐसी शुरुआत करने के बाद तो हमारी आदत हो गई पराया लूटने की। जो पराया, राम नाम जपना, पराया माल अपना, इसी मुताबिक हम करने लगे। बीमारी की शुरुआत भी तब से हुई जब से अग्नि की खोज हुई। फिर तो इसमें कई अलग अलग आहार में बदलाव आते रहे, बदलाव आते रहे। मेवा, मिठाइयां, न जाने क्या 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 बनते रहे, क्या क्या बनते रहे। 56 भोग तक आकर हम रुके, 56 भोग। देखो कभी व्हाट्सएप में ऐसी लिस्ट आती है, 56 भोग में क्या क्या चीजें आती है, 56 भोग। बत्तीस शाक यानी सब्जियां, 33 मिठाइयां। इन सभी चीजों का हमारे भोजन में हमने स्वीकार कर लिया और आज हम यही मानते हैं कि यही हमारा भोजन है, हमारा भोजन यही है जो हमारे घर में पक रहा है, इसके अलावा हमारा कोई भोजन है ही नहीं, ऐसा हम मानकर बैठे हैं। तो दोस्तों आइए, हमारा सही भोजन क्या है इसके बारे में हम आगे जानेंगे। गैस पर पकाया हुआ भोजन का तो यही हाल हुआ है, जिसके घर में गैस के बाटले उसके घर में बीमारी के खाटले। गुजराती में बोले तो जेना घर में गैस ना बाटला एना घर में बीमारी ना खाटला। तो आइए गैस की बोतलों को बंद करें और क्या खाए क्या ना खाए इसके बारे में आगे सोचे। धन्यवाद। मैं फिर से बोलूँगा, ऑडियो क्लिप आप सुनो, अपने रिश्तेदारों, समधियों, जो भी ग्रुप्स में आप जुड़े हो इन सभी को भी पहुँचाओ, ये भी एक सेवा का काम है। धन्यवाद।